या आपने या किसी परिवार वाले ने एक्सरे करवाया कभी? अगर करवाया तो आज एक जनहित में जारी संदेश है। सो कहां पे बात करेंगे इसके लिए? अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार, 8 नवंबर में आप सबका स्वागत। सो सबसे पहले पिछला सवाल, प्रज्वला चैलेंज। प्रज्वला चैलेंज किससे डील कर रहा था सर? दिस इज डीलिंग विद रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का प्रज्वला चैलेंज है, और आपने मुझे कमेंट में ये भी बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया भाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इंडिया, इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल। वर्टिकल विंड टनल कहां पे बनाया गया है? फर्स्ट सिक्किम में, पंजाब में, हिमाचल में या जम्मू में? टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट, देन कमिंग टू द फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम सर, वेरी वेरी रेलेवेंट। फर्स्ट जो हम जनहित में जारी बात कर रहे थे, आज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी की डे इज 8 नवंबर। सो जनहित में जारी संदेश क्या था? अगर आप एक्सरे कराते हैं, सो उसमें एक्सरेज होती हैं, दोज आर वेरी वेरी पावरफुल। वो आपके सेल्स को एक्सेट्रा को डैमेज कर सकती हैं। सो आपने देखा होगा जब आप एक्सरे कराने जाते हैं, तो जो बंदा आपका मशीन वशीन सेट करके फिर एक दीवार सी के पीछे जाके बटन दबाता है एक्सरेज का, वो दीवार लेड की होती है, एक्सरेज उसको क्रॉस नहीं कर पाती। सो वैसे ही सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में अगर कोई फ्रैक्चर आया, मेरे को एक्सरे कराना है, तो हाथ का एक्सरे कराऊंगा तो सारी बॉडी पे रेज क्यों खानी है? राइट, सो आई हैव द राइट एज अ पेशेंट इन माई कंट्री इन इंडिया कि मैं एक्सरे करने वाले को बोलूं कि भाई मुझे लेड जैकेट दे। राइट, लेड जैकेट देगा तो क्या होगा? मैं सारी बाकी बॉडी जहां पे क्रैक नहीं है, जिस पे एक्सरे की जरूरत ही नहीं है, सो बाकी सारी बॉडी को कवर कर सकूंगा। स्पेशली मेल्स के लिए, जो एल्डरली मेल्स हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर बहुत जल्दी हो रहा है, बिकॉज उन्हें बार 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 एक्सरे कराना पड़ता है और लेड जैकेट का रिवाज ही नहीं है। यू हैव द राइट टू हैव दैट लेड जैकेट, एंड द एक्सरे वाला हैज द ड्यूटी टू प्रोवाइड इट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखें। देन नेक्स्ट जी, चिली हैज बिकम द 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया लेड है। कहां पे हेडक्वार्टर है भाई इसके बताना मुझे। देन कलाकार पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार बहुत पूछे जाते हैं स्टेट सर्विस में। कलाकार पुरस्कार इस बार डिसूजा साहब, एपोलिनरिस डिसूजा जी को दिया गया है, 19th कलाकार पुरस्कार, ध्यान रखना। देन दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर यूपीएससी सर, ये क्लुचेस्वा स्पोकार्ड वॉलकैनो, थोड़ा सा मुश्किल रशियन नेम है, सो सोप का वॉलकैनो याद कर लेते हैं। इरप्ट करा है कामचटका प्लेटू में, रशिया में। सो ये यूरेशिया का हाईएस्ट हाईएस्ट वॉलकैनो है जो इरप्ट करा है कामचटका पेनिनसुला में। सोप का वॉलकैनो, ध्यान रखना, सोप का वॉलकैनो इन कामचटका पेनिनसुला रशिया। राइट, देन G7 की मीटिंग कहाँ पे हो रही है जी? इस बार जापान में हो रही है। मेजर मुद्दा इसराइल और पैलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है। राइट, देन रिपोर्ट्स पे एक सवाल आ जाता है भाई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। इस रिपोर्ट ने कहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसमें मेजर रोल इंडिया और चाइना के इनोवेटर्स कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, ये रिपोर्ट निकाल कौन रहा है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देन सेम एक पोर्ट का सवाल लास्ट टाइम यूपीएससी में आया था, एक पोर्ट का सवाल नेक्स्ट टाइम भी आएगा। सो मुंद्रा पोर्ट न्यूज में है सर, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है और लार्जेस्ट प्राइवेट एंड कमर्शियल पोर्ट है, अडानी साहब ने इसको डेवलप किया है। राइट, सो मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेट एंड कमर्शियल पोर्ट ऑफ इंडिया, डेवलप्ड बाय अडानी इन गुजरात। एक फैक्ट तो काम आएगा ही आएगा। राइट, देन सर टर्म्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर में, नेशनल कोल इंडेक्स, ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज कोल की ना बिक्री प्राइवेटली भी अलाउ कर दी थी, कमर्शियल ऑक्शन अलाउ कर दी थी। सो इसके लिए एक प्राइस इंडेक्स बनाया कि कोल का मंथली बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या चेंज हो रहा है प्राइस में। सो ये प्राइस इंडेक्स जो कोल का मंथली चेंज बताता है ऑन दी बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड बेस ईयर, फिक्स्ड बेस ईयर प्राइस, दिस इज कॉल्ड नेशनल कोल इंडेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये स्टार्ट किया है, नेशनल कोल इंडेक्स प्राइस इंडेक्स है, कोल का चेंज इन प्राइस बताता है। कौन से प्राइसेस को देख रहा है सर? नोटिफाइड प्राइसेस जो सरकार कर रही है, ऑक्शन प्राइसेस जो ऑक्शन में हो रहे हैं, एंड इम्पोर्ट प्राइसेस जो बाहर से आ रहा है। इन तीनों के मद्देनजर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट होता है। राइट,
एंड बेस ईयर इसका है 2017 और 18, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया ही आया। राइट, सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। जय हिंद।